तो और मेरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है यार। तो आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। वापिस अब यार आपके हाल चाल तो पता नहीं कैसे हैं, पर यार मेरे हाल चाल काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार पहला आईफोन आ चुका है अपने हाथ में। और आज की इस वीडियो में अपन करने वाला है आईफोन SE 2020 का गेमिंग टेस्ट। काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो भाई फोन की स्पेसिफिकेशन बताने में ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा यार। जो भी आपको फोन की स्पेसिफिकेशन है वो दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। और भाई आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। अपन ज्यादा टाइम बर्बाद करने नहीं वाले और सीधा गेम को चालू करेंगे अपन। तो अभी भाई इसके अंदर हो चुके हैं गेम चालू। और भाई कितना छोटा सा फोन है यार, ये देखो एक हाथ में मेरा पूरा आ गया भाई। इसके हाथ से मैं अपनी पूरी स्क्रीन ढक सकता हूँ, ये देखो। तो भाई काफी छोटा फोन है, स्टॉप वॉच से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यार ये नोट 10 प्रो है। और ये देखो कितना सा है भाई, और ऊपर से इसमें इतने बड़े बड़े बेजल। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि कितनी सेटिंग पे ये गेम को चला देता है। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तो है, बैलेंस प्लस एक्सट्रीम भी है, HD प्लस एक्सट्रीम भी है, HDR प्लस एक्सट्रीम भी है, अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, और UHD तक ये नहीं जाता, कमिंग सून दिखाता है। तो इसकी जो मैक्स सेटिंग हुआ अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की, और भाई स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे अभी तो खेलने वाले हैं हम इसको। अभी इसको भाई ट्राई करेंगे अल्ट्रा HD पे भी, अल्ट्रा पे ट्राई करेंगे इसको कि लैग होता है या नहीं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन यार गेम ये चला रहा है। और भाई एक चीज़ और है यार, जो iOS का व्यू होता है ना भाई पबजी में, जो करेक्टर हमें वैसे नॉर्मल करेक्टर हमें दिखता है, यहाँ बैक तक दिखता है इतना, और जो iOS में भाई हमें करेक्टर दिखता है वो पूरा नीचे तक दिखता है, उसके पैर तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू मिलता है हमें iOS के अंदर। और जैसे अपन खेलते हैं वैसे खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे एक आध मैच अरीना के, उसके बाद आर्केड वगैरह ट्राई करेंगे और फिर क्लासिक पे आते हैं अपन। तो अभी ट्राई करते हैं अपन अरीना का मैच सबसे पहले। और मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को भी चालू कर लेता हूँ और मैच को भी कर देते हैं स्टार्ट। और भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वाला जो फ़ोन है ये मेरे भाई ने लिया है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर, जो कि है 31,000 रुपये का। और भाई ये 3 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है अपने पास। और अभी इसकी वॉल्यूम फुल कर लेते हैं। अरे यार वो भाई थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो उस हिसाब से हाथ सेट नहीं हो पा रहा, पर जो गेमिंग करके दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही गेमिंग करके दे रहा है ये। और अभी अपना एक अरीना का मैच कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अपन क्विक मैच कर लेते हैं। ये किसके लिए TP भी लेके खड़ा था भाई। अरे ओ भाई ये क्या, वो तो अच्छा है इस बंदे में कुछ नहीं था वरना तो भर देता मेरे को। और भाई कभी कभी मैं भगाते भगाते हैं स्क्रीन से हाथ बाहर ही ले जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को अभी आदत नहीं है ना इसके बेजल्स की। ओ भाई गए भाई, एमओ खत्म हो गई। पर अबे यार, तो अभी 14 मिनट हो गए हैं। फोन की बैटरी दिखाऊं अगर तो भाई इसको 100% मैंने यहाँ पे चार्ज करा था और 91% हो गया एक अरीना और एक आर्केड में। मतलब कि 9-10% तो बैटरी ड्रॉप भाई बहुत तेज़ी में करता है यार, बैटरी है ही इतनी छोटी यार। अभी क्या करते हैं, सीधा अपन क्लासिक करते हैं लिविक का मैच। स्टार्ट कर दिया अपन ने।
ओ भाई जानलेवा हमला। अरे यार बंदे कैसे कैसे बंदे आते हैं इसमें। तो अभी भाई एक और मैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन लिविक का ही। एक यूलू आया था मेरे ख्याल से। तो ओ ये कहाँ आए जा रहे हो यार तुम। कहाँ रुक रहे हो भाई। अरे भाई क्यों यार क्या ही बंदा था। तो चलो यार अभी यार ये वाला मैच भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी ज़्यादा अपन क्लासिक क्लासिक नहीं करने वाले, एक टीडीएम मैच खेल लेते हैं वो भी इसकी मैक्स सेटिंग पे। वो भी अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या ये मैक्स सेटिंग में लैग मारता है या फिर नहीं मारता। बाकी अभी तक तो क्या ही गेमिंग करके दे रहा है भाई एकदम मक्खन। अल्ट्रा एचडी पर अल्ट्रा पे अपन इसको खेलने वाले हैं। और भाई अब खेलेंगे हम एक इसका अरीना मैच। भाई अभी अल्ट्रा स्टडी पे भी यार गेम को क्या है मक्खन चला रहा है ना। मैं दोनों मर गए भाई हम। यार हो क्या रहा भाई समझ में ही नहीं आ रहा। हार गए यार। बाकी गेम जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है यार। कोई भी दिक्कत यहाँ पे इनने हमको आने नहीं दी। अभी अपन इसका एक और टीडीएम मैच स्टार्ट कर लेते हैं। हाई सेटिंग पे ही है अभी फोन हमारा। और भाई हीट होने लगा है, अब हीट काफ़ी हो रहा है फोन अपना। तो देखते हैं अब सेकंड राउंड में अपना ये कैसी वो देता है हमको परफॉर्मेंस।
अबे यार M249 ले गया बंदा, इसी सही पेल रहा था M249 से। जीत गए भाई, अब हाथ सेट हुआ भाई मेरा आईफोन के ऊपर, क्योंकि यार स्क्रीन इतनी छोटी है। वैसे मैं जो नॉर्मल गेम वगैरह करता हूँ या फिर स्ट्रीम वगैरह करता हूँ वो करता हूँ अपने K20 Pro से, तो उसकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और भाई S2H स्क्रीन भी है तो उसकी भी दिक्कत है, और इसमें इतने बड़े बड़े बेजल्स हैं यहाँ पे, तो इसकी थोड़ी सी दिक्कत रही मेरे को, थोड़ा खेलने में दिक्कत हुई, बट ओवरऑल गेमिंग जो इसने हमको करके दी वो काफ़ी ज़्यादा धांसू करके दी, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आने नहीं दी हमको गेम खेलने में। तो अभी स्टॉप वॉच को करते हैं अपन स्टॉप, और ऑलमोस्ट अपन को 1 घंटा हो ही गया है, तो स्टॉप वॉच को स्टॉप करके साइड में कर देते हैं। तो भाई अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी परसेंटेज की, तो भाई 1 घंटे की गेमिंग के बाद इसके अंदर बैटरी हो चुकी है 64%, यानी कि इसमें 36% बैटरी ड्रॉप हो गई है 1 घंटे में भाई, सिर्फ बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है। और भाई फ़ोन अब हीट होने लगा है, जो कि हीट होने लगा है फ़ोन हमारा इस तरफ से यहाँ कैमरे की साइड से, और बाकी फ़ोन कहीं से गर्म नहीं हुआ है जितना कि यहाँ ऐसे गर्म हो रहा है फ़ोन। आई थिंक सो कि इसका प्रोसेसर वगैरह जो भी है सब इसी तरफ होगा, तो इसी चक्कर में यहीं से हीट हो रहा है। और यार बाकी जो ओवरऑल गेमिंग इस फोन ने हमको करके दी है, तो यार वही जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और भाई परफॉर्मेंस तो दी ने एकदम कतल वाली, और स्क्रीन छोटी है बस यार वही एक दिक्कत है, बाकी इस फोन में कोई कमी नहीं है यार, कहीं पर भी मेरे को कोई भी इशू नहीं दिखा, सिवाय एक इशू के कि यार इसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी है और बेजल्स इतने बड़े बड़े हैं। इसकी बजाय आप आईफोन XR लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बट यार वो थोड़ा और उसका महंगा हो जाता है, तो जिनका बजट कम है वो इस फोन को ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको करके देगा। तो बस भाई लोग आज वाली वीडियो में सिर्फ इतने बताना था, मेरे को iPhone SE 2020 का गेमिंग टेस्ट करके दिखाना था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये वाला जो फोन है गेमिंग के लिए कैसा है, अच्छा है या बेकार है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस फोन से रिलेटेड तो मेरे को नीचे कमेंट्स में भेजी जगह पूछ सकते हो, और मेरे कंटेंट में आपको कहीं पर भी कोई भी कमी दिखाई दे रही हो तो भाई नीचे एक बार कमेंट्स में मेरे से बता देना कि यार उसमें मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, या फिर मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आज वाली वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि यार हमारे चैनल पे हो चुके हैं 3.6 के सब्सक्राइबर, और भाई अब हमें 4 के सब्सक्राइबर करवाने हैं फटाफट से, तो 4 के सब्सक्राइबर करवा दो यार, अब 4K के हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, तो फटाफट फटाफट सब्सक्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो। तो आज वाली वीडियो सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।